और अब बात लेडी सिंघम की। जी हां, यूपी के इटावा में एक महिला एसएसपी ने लेडी सिंघम का रूप दिखाया, सड़क पर पुलिस टीम के साथ निकली। एसएसपी ने बाजार में खलबली मचा दी। एक महिला पुलिस अफसर की सख्ती देखकर अतिक्रमण करने वालों की हवा निकल गई। ये सड़क घेरे हुए है, इसमें नाली का देख, इसका जरा 34 का चालान कटो। यूपी में सड़कों पर लेडी सिंघम, महिला एसएसपी का अतिक्रमण हटाओ अभियान। इटावा की एसएसपी मंजिल सैनी की मुहिम, सड़क घेरने वालों को सिखाया सबक, गाड़ियों की हवा निकाली, सब्जी सी। सड़क पर अतिक्रमण हटाने वालों की शामत आ गई। सड़कों पर गाड़ियों खड़ी करने वालों के होश उड़ गए। इटावा की सड़कों पर एसएसपी मंजिल सैनी ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू किया तो हर तरफ खलबली मच गई। नई मंडी हो गई है, यहाँ पे और अंदर लगा दिए, अंदर नहीं, यहाँ से मंडी हटेगी। दुकानदार से लेकर रेहड़ी पटरी वाले और सड़क घिर कर गाड़ियाँ खड़ी करने वालों को जैसे भागने की जगह ही नहीं मिल रही थी। पूरी तो गली घेरी हुई है, यहाँ कोई मंडी नहीं है, आप इसको कायदे से हटा लीजिए वरना हम मजबूरों के एक मुकदमा लिखेंगे और जेल भेज देंगे। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के गृहनगर इटावा में एसएसपी मंजिल सैनी ने लेडी सिंघम की तरह काम किया। आपको बात समझ आई नहीं है? ये हमें दिखाने के लिए मत करो। ऑपरेशन राहत के तहत एसएसपी ने शहर में अतिक्रमण और ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए अभियान चलाया है। शहर के मुख्य बाजार में पहुंचते ही एसएसपी ने सड़क घेर कर सब्जियां और अन्य दुकानें लगाने वालों की जमकर क्लास ली। फोटो खींच लो, मेरा मैं मुकदमा ही दिखा दूंगी। फोटो खींच लो, साफ दिख रहा है ये गली। हटा देंगे सर, आप अनगेटा केस रजिस्टर्ड हो। अपने आप हटाते तो अभी तक हटा नहीं। अनगेटा केस रजिस्टर्ड हो। अवैध तरीके से दुकानें लगाने वालों को एसएसपी ने कड़ी हिदायत दी और दोबारा कानून तोड़ने पर जेल भेजने की भी चेतावनी दी। आपने पूरी तो गली घेरी हुई है, यहाँ कोई मंडी नहीं है, आप इसको कायदे से हटा लीजिए वरना हम मजबूरों के एक मुकदमा लिखेंगे और जेल भेज देंगे। इतना ही नहीं, एसएसपी ने बाजार में एक एक दुकान पर जाकर अतिक्रमण हटाने के लिए कहा। दुकानदारों के अलावा जिन लोगों ने सड़कों पर गलत तरीके से बाइक या स्कूटर खड़े किए थे उनकी हवा निकाल दी गई। एसएसपी की कार्रवाई देखने के लिए लोग छतों पर जुट गए। बाजार में हर तरफ सन्नाटा जैसा था। पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन राहत नाम का ये अतिक्रमण अभियान एक महीने तक चलेगा। इसको सबको देखते हुए और इसके अतिरिक्त अतिक्रमण काफी सड़कों पे हो गया था, तो उसको देखते हुए एक प्लानिंग इसमें की गई, जिसमें हमने जो हमारी बड़ी व्हीकल्स हैं उनके लिए एक वन वे ट्रैफिक प्लान किया है सिटी में। आपको ये मजाक लग रहा है, आप हंसते जा रहे हैं। महिला आईपीएस अफसर मंजिल सैनी की कार्रवाई उन अफसरों के लिए मिसाल है जो राजनीतिक दबाव का हवाला देकर अतिक्रमण जैसी बड़ी समस्या से पल्ला झाड़ते रहते हैं। साबिर शेख, इटावा, आज तक।